यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है? आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं माइनक्राफ्ट क्यूब क्राफ्ट स्काई ब्लॉक के पार्ट 3 वाले वीडियो में। तो कल वाले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पर एक काउ फार्म देखा था, इसके बाद ये दो फार्म बनाए थे, फिर यहाँ पर एक तीसरा फार्म। तो आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ये जो यहाँ पर शॉप है, इस शॉप को वहाँ से स्काई ब्लॉक शॉप को हटाते हैं वहाँ से। इसके बाद ये जो नीचे वाला इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर एक काउ फार्म बनाने वाला हूँ। तो हम जल्दी से गाइस यहाँ पर एपीपी मोड हो जाते हैं, और इसके बाद गाइज यहाँ पर सबसे पहले तो गाइज ये शॉप को मैं हटाता हूँ, लेकिन इससे पहले कुछ कुछ मिशन जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो हम यहाँ पर शॉप के सेक्शन पर जाते हैं, इसके बाद यहाँ देखते हैं गाइज क्या क्या है। ये है गाइज लॉग्स फॉर डेज, ये कुछ था गेदर ओक लोग। ओके गाइज, ओक लोग वाला मिशन था, ये कम्प्लीट हो चुका है, इसे रिडीम करते हैं। इसके बाद और कुछ है क्या? ओके, ट्रेवलिंग सेल्समैन, ये क्या है? विजिट द स्काई ब्लॉक हब। अच्छा, स्काई ब्लॉक हब पर भी हमें जाना है। बाकी जो भी मिशन था गाइज उसमें हमें कुछ भी यहाँ पर रिवार्ड देखने को नहीं मिला है। तो मेरे पास देख लो गाइज पैसा है 5600, यानी कि मैं कल वाले वीडियो में आपको बताया था मैं एक जनरेटर खरीदने वाला हूँ, तो अभी गाइज एक जनरेटर खरीद लेते हैं। लेकिन गाइज एक मिनट, इससे पहले ना इसे मैं हटाता हूँ गाइज। इसे हटाने के लिए सिंपल इस पर क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको आ जाएगा नीचे डिसमेंटल शॉप, बस सिंपल आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है? इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर ओके कर देना होगा। तो यहाँ पर देख लो गाइज, ये अब यहाँ से हट चुका है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, ये जो शॉप है ना, ये शॉप को यहीं कहीं देता हूँ। क्या होगा कि अगर मैं कुछ फार्म यहाँ पर अगर करूँगा तो मतलब कि मेरे को यहाँ पर शॉप वगैरह या फिर सेल करने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना ना पड़े, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर रखने वाला हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर बस आपको क्लिक करना है यहाँ, ओके, और इसके बाद यहाँ पर करना है प्लेस शॉप करना है। ओ ओ अच्छा, ओके यहाँ पर आ गया है, ठीक, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं पीछे होता हूँ। ओके, फिर से गाइस यहाँ पर क्लिक करते हैं डिसमेंटल शॉप, और यहाँ पर गाइस आप क्लिक करके प्लेस शॉप, या फाइन गाइस, देख लो ये गाइस हो चुका है हम लोगों का शॉप यहाँ पर। ओ भाई इधर देखना, ओके फाइन हो गया ना। अब गाइज अगर कुछ मैं सेल वगैरह करूँगा तो यहीं से कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास क्या क्या चीज़ है देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पर मेरे पास गाइज देख लो पम्पकिन है, तो यहाँ पर गाइज सिंपल सेल पर जाना है और सेल ऑल करते हैं गाइज। ओके, तो मेरे पास 6700 रुपये आ चुका है, तो एक जनरेटर गाइज जल्दी से ख़रीदते हैं। बाय पर जाना होगा, इसके बाद जनरेटर्स पर, कोवल स्टोन जनरेटर 1000 है ना, दो हो गया, तीन हज़ार, चार खरीद लेते हैं गाइज, चलो ठीक है फाइन। यहाँ पर देख लो गाइज हमारे पास, अच्छा सॉरी, एक एक ब्लॉक है। मुझे लगा गाइज यहाँ पर जनरेटर खरीदेंगे तो टोटल जैसे ये तीन था वैसे मिलेगा, बट गाइज जनरेटर मतलब ओनली वन ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। अरे भाई 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 भाई, ये तो खतरा है गाइज, कोई ना। तो हमारे पास टोटल गाइज यहाँ पर 6 ब्लॉक आ चुका है, तो इससे गाइज रिमूव करते हैं यहाँ से फिलहाल के लिए, और ये गाइज हम लोग रखने वाले हैं उधर साइड, क्योंकि गाइज मैं अभी यहाँ पर फार्म बनाने वाला हूँ काव वाला, तो गाइज मेरे को यहाँ पर थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसी के सामने रखने वाला हूँ। ये रहा गाइज, देख लो 6 जनरेटर है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, वैसे और ख़रीद लेते हैं क्या? मैं सोच रहा हूँ ना और 3 खरीद लेता हूँ, बिकॉज मेरे पास देख लो लगभग 4000 रुपये हैं, मतलब कॉइन है। ओके, तो यहाँ पर बाय पर जाते हैं, जनरेटर पर 1 2 3, तो अब गाइज यहाँ पर 3 और ब्लॉक हमें मिल चुका है, तो यहाँ पर गाइज मैं लगा देता हूँ, अभी फ़िलहाल बस नॉर्मल लगा रहा हूँ, ठीक है? अब इसके बाद यहाँ पर ये रहा हम लोगों का स्टोन पिकेक्स, तो यहाँ पर गाइज हम जल्दी से ये स्टोन को तोड़ते हैं गाइज, और इसके बाद मैं ढेर सारा स्टोन तोड़ के गाइज आपसे मिलता हूँ। ओके, तो यहाँ पर फाइनली गाइज मेरा इलाका देख लो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। अब गाइज मैं यहाँ पर फेंस लगा के यहाँ अंदर गाइज ये जो काव स्पोनर है वो गाइज मैं यहाँ पर स्पोन करवाने वाला हूँ। तो यहाँ पर क्राफ्टिंग टेबल में ये रहा गाइज फेंस, वैसे गाइज मैं फेंस अभी ये ओनली टेम्पोररी बना रहा हूँ, ये गाइज मैं बड़ा बना दूंगा बाद में, ठीक है? फेंस से होता क्या है कि काउ जो है वो उसके ऊपर जंप करने नहीं सकेगा, इस वजह से। अबे भाई साहब ये कहाँ लग गया? ओके, ये गलत बात है, इधर नहीं लगना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इसके साइड से गाइज अब यहाँ पर मैं लाने वाला हूँ। अब गाइज मैं इसके अंदर स्पोनर लगाने वाला हूँ,
बट यहाँ पर मेरे पास एक गेट भी तो होना चाहिए। कैसे करेंगे? एक मिनट, यहाँ पर है ना हमारे पास लकड़ियाँ हैं गैस, तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पर ट्री वगैरह जो है ना काफ़ी स्पीड से स्पॉन हो जाते हैं, मतलब कि अगर आप यहाँ पर सैपलिंग लगाते हैं तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। मुझे लगता है 30 सेकंड काफ़ी होता है, 30 सेकंड में आपको यहाँ पर एक न्यू ट्री देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर प्लैंक्स बनाते हैं और इसके बाद ये गेट, फेंस का एक गेट तो बनाना ही पड़ेगा। तो गेट कहाँ गया? ये रहा गैस गेट। तो यहाँ पर गैस हम लोग एक गेट लगा देते हैं। तो ओके, फाइनली हम लोगों का यहाँ पर काव स्पोनर एक बन चुका है। अब गाइस मैं स्पोनर कहाँ गया, ये रहा गाइस काव स्पोनर, इसे मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा गाइस, हम अंदर घुस गए और इसके बाद इसे क्लोज करते हैं। अरे भाई ये क्या है, ये रहा यहाँ पर काव स्पोनर। तो सिंपल हम गाइस यहाँ पर कर देते हैं और अब गाइस काव स्पॉन होना चालू हो जाएंगे। ओके, इसके साथ आप इसे चाहे तो अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड करते हैं तो ये जो आपको एक्सपीरियंस देते हैं वो ज़्यादा देते हैं, और इसके साथ ही गाइस यहाँ पर जो काव स्पॉन होता है वो पहले से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर इसे अपग्रेड करने के लिए यहाँ पर देखो लिखा हुआ है गाइस कि हमें 300 कॉइन चाहिए, जो कि 300 में से हम लोगों के पास 744 कॉइन है, और लेदर गाइस 6 चाहिए होगा। तो अभी गाइस हम यहाँ पर काव मारेंगे और इसके बाद लेदर यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल गाइस यहाँ पर होने देते हैं और इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा गाइस, अब थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अब ये जो पम्पकिन है इसे तोड़ते हैं गाइस, बिकॉज अभी सेल करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों के पास देखो पैसा बहुत कम है गाइस, बहुत ही ज़्यादा कम है, 1000 कॉइन भी नहीं है, ऐसे में यार क्या ही होगा। वैसे गाइस मैं फोकस करूँगा एक वाले वीडियो में स्पेशली गाइस ज़्यादा पम्पकिन बनाने का, मतलब कि होता क्या है कि पम्पकिन से आप काफ़ी ज़्यादा गाइस यहाँ पर अर्न कर सकते हैं कॉइन, मतलब इसका जो रेट है वो सबसे ज़्यादा है। और इसके साथ एक और है क्या, तो क्या कुछ तो नाम था मैं भूल गया। ओके, तो यहाँ पर हम पम्पकिन जल्दी से कलेक्ट करते हैं, पम्पकिन सेल करते हैं और इसके बाद काव वाला जो मिशन है वो भी गाइस यहाँ पर मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर पम्पकिन का एक और लाइन गाइस यहाँ पर बस बचा हुआ है, तो इसे गाइस हम जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, देखो गाइस 3 काव स्पॉन हो चुका है, 3 या 4 है शायद, 3 है, हाँ जी 3 है। ठीक है, अरे भाई शॉप को मैं उधर ले गया था ना, कोई बात नहीं, एक और शॉप है गाइज वहाँ पर देख लो, जो प्लेन आइलैंड है वहाँ से भी मैं उसे ला सकता हूँ। डिसमेंटल शॉप नहीं, सॉरी, यहाँ पर सेल पर जाना है, सेल पम्पकिन और टोटल, ओ देख लो गाइज हमारे पास 1800 रुपया आ चुका है। अब गाइज यहाँ पर काव वाला मिशन, ओके इसके साथ ही यहाँ पर एक और कुछ तो था, यहाँ पर पोर्टेबल गोड्स था, इससे अगर मैं करता हूँ तो गाइस यहाँ पर भी एक मिशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर 10 XP बोतल, 32 स्टोन और 500 कॉइन गाइस हमें देखने को मिल जाएगा। वैसे गाइस मैं यहाँ पर आपको जाके शॉप वगैरह करके दिखा रहा था, आप चाहे तो यहाँ पर मेनू से भी क्लिक करते हुए कर सकते हैं, तो यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं बस आपको बताने के लिए वहाँ पर गया था। तो सिंपल इसे यहाँ पर क्लोज करते हैं और ये रहा। वैसे मुझे लगता है लेदर शायद से मिल चुका है, तो हम इसे अपग्रेड कर सकते हैं, क्लिक करके देखते हैं अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ जी देखो गाइस यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर जल्दी से इसे अपग्रेड कर देते हैं। देख लो अपग्रेड स्पोनर, ओह लेवल 2 हो चुका है गाइस, और अब मेरे को लगता है XP जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा शायद से देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइस एक चीज़ यहाँ पर मेरे को टॉर्च लगाना पड़ेगा, देखो अंधेरा थोड़ा सा हो चुका है, तो यहाँ पर क्या करता हूँ ये जो कॉर्नर साइड है ना यहाँ पर टॉर्च लगा दिया जाए। ये हाँ एक चीज़ गाइस मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं जो घर बनाने वाला हूँ वो किस टाइप से होगा? मैं सोच रहा हूँ ना वो एक ट्री टाइप से जो हाउस होता है ना उस टाइप से बनाऊँ क्या? आप मुझे प्लीज़ सजेस्ट दे के बताओ ना यार कि मैं कैसे घर बनाऊँ, मतलब कि अपना वाला जो घर है वो मैं किस तरीके से बनाऊँ। अगर आप लोग सजेस्ट देते हो मतलब दोगे तो यार काफ़ी अच्छा होगा। सो इस वजह से गाइस मैं पूछ रहा था। तो यहाँ पर लेदर हमारे पास आ चुका है गाइज। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जल्दी से पम्पकिन यहाँ पर तोड़ता हूँ, इसके बाद पोटैटो, और फिर ये वाला भी मिशन मैं जल्दी से कंप्लीट करके आता हूँ। तो यहाँ पर गाइज काव वाला मिशन कंप्लीट हो चुका है, दरअसल ये जो यहाँ पर मिला है इसे हमें कुक करना है। और अभी गाइज मैं सोचा कि ये जो यहाँ पर पोटैटो है इसे अगर हम यहाँ पर खेती करते हैं, सपोज यहाँ पर पोटैटो उठाते हैं, तो गाइज मेरे को फिर से लगाना पड़ेगा। बट गाइज यहाँ पर पम्पकिन के केस में क्या हो रहा है कि यार पम्पकिन बस तोड़ना है और वो निकलते जाएगा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ये जो यहाँ पर पम्पकिन वाला खेती है इससे पूरा जायंट बना देते हैं,
इससे क्या होगा कि मेरे को ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गाइस सिर्फ मैं फर्स्ट बार सिर्फ यहाँ पर ये सीड्स डालूंगा, इसके बाद छोड़ दूंगा। बस गाइस मेरे को पम्पकिन यहाँ पर सेल करना है। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर पोटैटो और पम्पकिन का यहाँ पर कंपेयर करते हैं प्राइस रेट में, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पर पम्पकिन ही पूरा का पूरा करने वाला हूँ। तो देख लो गाइस 156 पम्पकिन का इतना ज़्यादा पैसा हमें देखने को मिल रहा है। अब गाइज मैं यहाँ पर ये जो शॉप था प्लेन आइलैंड वाला, यहाँ पर जल्दी से जाते हैं। यार दो दिन से गाइज ये आइलैंड पर मैं गया नहीं हूँ। तो ये जो शॉप है इसे डिसमेंटल करते हैं और फिर से गाइज वहाँ पर लेके इसे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसे क्लिक करते हैं और डिसमेंटल शॉप हो गया, ओके। और अब गाइज यहाँ पर मैं अपना आइलैंड पर जाता हूँ। और इसके बाद गाइज देखो एक चीज़ यहाँ पर देख लो, राइट साइड में अपना आइलैंड को जस्ट बड़ा किया हूँ, लेकिन लेफ्ट साइड नहीं किया हूँ। बट अभी मैं तुरंत लेफ्ट साइड भी बड़ा करने वाला हूँ। एक ही साइड अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, तो लेफ्ट साइड भी करने वाले हैं। और यहाँ पर अबे यार कुछ रखा क्या नहीं, ओके। और यहाँ पर शॉप को कहाँ रखने से अच्छा होगा, यही सेंटर में कहीं जगह अभी फ़िलहाल के लिए रख देते हैं, ओके। इस जगह पर मैं शॉप को रख देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करके मेनू और प्लेस शॉप, ओके गाइज यहाँ पर हम लोगों का आ चुका है शॉप, ठीक है। अब गाइज यहाँ पर कुछ भी सेल वगैरह करना रहेगा तो मेरे को अभी उतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो इलाका आप देख रहे हो ना गाइज इधर वाला, इससे गाइज मैं अभी बड़ा करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले अब गाइज यहाँ पर मिशन कम्प्लीट करते हैं। यहाँ पर मेनू पर क्लिक करते हुए ट्रेवलिंग सेल्समैन, ओके गाइज यहाँ पर मैं आपको स्काई ब्लॉक हब पर भी जाके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको टैप करना है स्काई ब्लॉक हब पर। तो हम लोगों का यहाँ पर दूसरा मिशन भी गाइज कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर गाइज देख लो आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर गाइज पहला है ये रिफेयर, यहाँ से आप क्लिक करते हुए रिफेयर कर सकते हैं, बट आपका जो एक्सपी है वो यहाँ पर डाउन होने वाला है, इसी से रिपेयर होता है। ये सेल एंड बाय आइटम है जो कि आप वहाँ मेनू से भी कर सकते थे। और ये चेस्ट कुछ खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा गाइज, नहीं खुलेगा। ये है एडवेंचरर यहाँ पर, ओके ये मिशन है दरअसल। और ये इंचेंटर है, इधर इंचेंटर है गाइज। और इसके अलावा ये प्रोफाइल है जो कि यार ये सारा चीज़ तो हम लोग मेनू से हैंडल कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑप्टिमाइजर क्या है, एड बॉट्स, दी ऑप्टिमाइजर एंड बॉट्स आर नॉट करेंटली एक्सेसिबल एज यू डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड क्विस्ट, ओके। तो यानी कि हम यहाँ पर उस लेवल तक फ़िलहाल नहीं पहुँचे हैं, सो इस वजह से बॉट ऐड नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप यहाँ बॉट भी ऐड कर सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो हम गाइस अगेन फिर से अपना स्काई ब्लॉक हब पर जाते हैं, मतलब आइलैंड पर आते हैं। तो अब गाइस यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इधर का ये जो इलाका है ना, मैं पूरा का पूरा गाइस मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर दूर तक जाने का, मतलब इधर भी पूरा इलाका खाली हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से स्टोन ब्रेक करता हूँ, इसके बाद फिर से आपको मिलता हूँ। और फाइनली गाइस काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद देख लो गाइस ये पूरा इलाका, यार सच में बहुत ज़्यादा समय लगा। यहाँ पर हमें पूरा का पूरा इलाका 64 या कितना तो यहाँ पर मैं एक्सटेंड किया, और ये इलाका अब खाली हो चुका है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी बना सकता हूँ। इसके साथ गाइस यहाँ पर पम्पकिन भी है जो कि मेरे को सेल करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मिशन है वो भी गाइस हम देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेल आइटम में जाके सबसे पहले तो ये पम्पकिन जो है इसे गाइस सेल करते हैं, ठीक है। और इसके बाद गाइस मैं यहाँ पर आपको मिशन दिखाता हूँ। मिशन है गाइस ये लेदर वॉकर है, तो लेदर में आपको क्या बनाना है, हेलमेट हो गया, चेस्ट प्लेट, इसके बाद लेगिंग्स और बूट्स बनाना है। तो यहाँ पर हमारे पास गाइस, वैसे हमारे पास गाइस 18 लेदर है, तो वैसे हम बनाते हैं। एक मिनट यार क्या हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर हेलमेट और ये हो गया चेस्ट प्लेट, ये बूट, ओके। एक और चीज़ गाइस बनाना है, हम जल्दी से गाइस यहाँ पर ये लेदर वाला जो मिशन है वो कंप्लीट कर देते हैं। ये जो जब मिशन हम लोग कंप्लीट करेंगे ना गाइस, इसके बाद हमें एक और न्यू आइलैंड देखने को मिलेगा। बट फिलहाल अभी बीटरूट वाला जो मिशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, सो इस वजह से हो सकता है गाइस वो लेट हो जाए। बट गाइस हम यहाँ पर कोशिश करेंगे इसे कंप्लीट करने का। अभी लेदर कितना आ गया हमारे पास, 6 ही है गाइस, मेरे को लगता है 8-7 से कलेक्ट करना होगा तभी हो सकता है। वैसे 8 तो हो गया, वैसे यहाँ से गाइस मैं क्लिक करके देख लेता हूँ बनेगा, हाँ जी बन गया ना, यहाँ पर पेंट हम लोगों का बन गया। और ये मिशन गाइस यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। वैसे गाइस मैं लेदर में कैसे लग रहा हूँ, एक मिनट, ये टीपीपी
यो देख लो गाइस, मैं लेदर में मस्त लग रहा हूँ ना गाइस। तो ये मिशन गाइस यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, और गाइस बाकी जो भी मिशन है गाइस वो हम यहाँ पर अब कल करने वाले हैं। बाकी अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यार आप कमेंट करके बता सकते हैं गाइस, ये खाली वाला इलाके पर हम क्या करेंगे, या फिर बाकी यहाँ पर जो आपके नया क्वेस्ट आ चुका है जनरेटिंग कॉल। ओके गाइस, जनरेटिंग कॉल करना यानी कि हमारे पास जो जनरेटर है अब उसका यूज करने का बारी आ चुका है। ये रहा यहाँ पर बीट रूट वाला है, और बाकी यहाँ पर नीचे क्या है, कुछ है क्या? ओके, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। ओके, यहाँ पर हमें एप्पल कलेक्ट करना है, यानी कि ये ट्री वाला मिशन है। तीन मिशन है, ये सारा जो मिशन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और बाकी यहाँ पर इसके अलावा गाइस मैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक कोशिश करूँगा ये जो यहाँ पर फार्म है इसको काफ़ी ज़्यादा बड़ा करने का। मैं कोशिश करूँगा पूरा जितना आगे लंबा जाएगा उतना दूर करूँगा। ओके, और इसके बाद गाइस हम ढेर सारा पैसा यहाँ पर अर्न करेंगे, और जो भी बंदे अगर खेलना चाहते हैं तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो कैसा लगा ये पार्ट? मिलते हैं गाइस इस तरह के और भी मस्त वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, और अभी के लिए गाइस गुड बाय एंड लव यू ऑल।